बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद की नवीन कार्यकारिणी का गठन हुआ। बबीना झांसी नगर के प्राचीन गणेश मंदिर में आयोजित विभिन्न हिंदू संगठनों की बैठक में विश्व हिंदू परिषद जिला संगठन मंत्री निखिल के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुई, जिसमें बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद की नवीन कार्यकारिणी में युवाओं को जिम्मेदारी सौंपी गई। बैठक में युवाओं को संबोधित करते मुख्य अतिथि ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना युवा साथियों के बिना अधूरी है। साथ ही जिस प्रकार वीर सावरकर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे दीवानों ने हंसते हंसते वतन के लिए अपने प्राणों की आहुतियां दी, उनको व्यर्थ न जाने दें। हम सबको मिलकर भारत माता के गौरव को बढ़ाना है और 22 तारीख का दिन हर हिंदू के लिए दीपावली के समान है, क्योंकि उस दिन करोड़ों हिंदुओं के आराध्य प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है और हर हिंदू के घर में उस दिन कम से कम 5 दीप जरूर जलना चाहिए। बैठक में आरएसएस नगर प्रचारक उपेंद्र जी ने युवाओं से कहा, उठो, जागो, अपनी शक्ति पहचानो और ऐसे कर्म करो जिससे आप दूसरों के लिए उदाहरण बन सको। राष्ट्र सेवा में समर्पित होने का संकल्प लो। बैठक में तिलक जैन बल्लू को विश्व हिंदू परिषद का नगर अध्यक्ष, नगर मंत्री ऋतिक सेंगर, सह मंत्री अनुज बजरंग दल का नगर संयोजक अनुज कुमार, सह संयोजक प्रथम टंडन को मनोनीत किया। इस मौके पर सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। बैठक में जिला उपाध्यक्ष प्रवीण शर्मा, सीएम राजपूत, राष्ट्रीय गौ सेवा संघ जिला अध्यक्ष प्रशांत सिंह, जिला महामंत्री रणवीर पहलवान, रमेश साहू, भाजपा नेता आशीष जैन आदि लोग मौजूद रहे। बबीना से सुमित शाह की रिपोर्ट। और इससे हमारे सामने क्रांतिकारी जो मित्र बैठे हैं, उन सबको मेरा बार बार प्रणाम। कल्याण जी, वैसे आ जाइए, आ जाइए। संघ का मानना है देश के अंदर युवा समाज, एक ऋषि ने कहा है कि किसी देश का अगर भविष्य जानना हो आपको, तो उस देश के युवा के ओंठों पर गुनगुनाते हुए गीत तय करते हैं इस देश की दिशा किस ओर है। महान ऋषि ने कहा, संघ भी मानता है, ऐसे ऋषियों मुनि भी मानते हैं, महापुरुषों ने भी कहा है कि भारत का जो समाज है, दूसरा राम मंदिर जो हमारे राम जानकी मंदिर है उसमें महाआरती करके प्रसाद किया जाएगा। दूसरा, हम 100-200 संख्या में महाआरती हम राम मंदिर को कर सकते हैं। और कोई पॉइंट? सब युवा है, पढ़ने वाले हैं, कहीं ना कहीं हम राम मंदिर के लिए लगने वाले हैं, दीपक जला सकते हैं। प्रत्येक घर में 5 दीपक और एक बड़ा ग्राउंड, कहीं भी कोई मंदिर हो सकता है। क्या हम 51,000 दीप दान कर सकते हैं? बड़े ग्राउंड में राम जी का चित्र बनाएंगे, किसी प्रिंटर को बुलाएंगे, वो एक राम चित्र कार्ड की जमीन में जाएगा, उस पर हम क्या दीपक लगा सकते हैं? भैया ने शोभा यात्रा मार्ग पर पुष्प वर्षा शोभा यात्रा निकलेगी, तो क्या हिंदू समाज उस शोभा यात्रा पे घर घर से पुष्प वर्षा कर सकता है? हम ये कर सकते हैं। दूसरा, अक्षत वितरण जो हमारा मुख्य काम आने वाला है 1 जनवरी से 15 जनवरी तक, उसको हम संघ के साथ कैसे घर घर, क्योंकि हम प्रत्येक घर में राम मंदिर के लिए जो समर्पण निधि हुई थी, जो पैसा हमने घर, जो हम कार्यकर्ता चलते हैं उसी समाज के कार्यकर्ता जब समाज के लिए निकलते हैं तो समाज कहीं अच्छे स्तर की तरफ बढ़ती है और संगठन का भी विस्तार होता है। ऐसे ही बबीना प्रखंड से विश्व हिंदू परिषद की कार्यकारिणी में अपने जैन साहब हैं, बल्लू जैन जी, जिनको प्रखंड अध्यक्ष बबीना नगर का बनाया गया है। हमें आशा है कि उनके सानिध्य में बजरंग दल अपना आगे कार्यक्रमों को अच्छे रूपरेखा देगा, समाज में अच्छे काम करेगा, युवाओं को जोड़ने का काम उनके नेतृत्व में होने वाला है। संयोजक के रूप में जिनको विश्व हिंदू परिषद ने चुना है, यहाँ के आयाम युवाओं ने, तो ऐसे अनुज जी और अपने सह संयोजक के नाते शिवम जी हैं, मंत्री अपने, इन लोगों को यहाँ प्रखंड कार्यकारिणी में हमने लिया है, तो इनके प्रयत्नों से बहुत सारे कार्यक्रम अपने होने वाले हैं। अभी राम मंदिर का जो अपना चल रहा है अक्षत वितरण, तो इनकी देख रेख में विश्व हिंदू परिषद अपना प्रत्येक हिंदू घर में ये लोग अक्षत वितरण करने वाले हैं, तो समाज का काम बढ़ेगा, संगठन बढ़ेगा, तो ऐसे कार्यकर्ता ही करने वाले हैं। तो इसी को आने वाले समय में अभी इनकी पूरी कार्यकारिणी अपनी निवृत्त करेंगे, है ना, अभी जो कार्यकारिणी गठित हुई है इसके बाद ही अपनी पूर्ण कार्यकारिणी बनाने वाले हैं। तो जैसे कि राष्ट्रीय गौरक्षा संघ है, उसमें से भी किसी किन्हीं पदकारियों को आपने बजरंग दल में या अच्छा अपने एक कार्यकर्ता अनुज जी करके हैं, जिनका वो गौरक्षा के संगठन एक चलाते हैं, तो उनसे जब वार्तालाप हुई तो उन्होंने कहा भाई हम पूरी टीम अपने बजरंग दल के साथ चलेंगे, क्योंकि जितने संगठन होंगे तो कहीं ना कहीं
बाधाएं विवाद होती है, इसका संगठन कार्यकर्ता वहां नहीं जाना उसका कारण। तो एक बबीना प्रखंड में एक अच्छा उदाहरण अनुज जी ने दिया है कि अपनी पूरी टीम के साथ उन्होंने विश्व हिंदू परिषद में कदम रखा है। तो उनके नेतृत्व में हजारों जो 100-200 युवा हैं, बड़ी कार्यकारिणी उनकी रहने वाली है, तो सभी विश्व हिंदू परिषद के साथ संगठन से कदम मिला के चलेंगे। तो जब दो संगठन एक साथ होते हैं तो कहीं ना कहीं समाज को उसका लाभ मिलने वाला है।